थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप है पेशेंस इन डिफरेंट ट्रायल्स एंड टेस्ट इन लाइफ। इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट आते हैं, मुख्तलिफ ट्रायल्स आती हैं, मुख्तलिफ आजमाइशें आती हैं, मुश्किल आती हैं, कभी अप डाउन होता रहता है इंसान। और उसके दौरान जो उसने अपना रवैया दिखाना है, उसने जो अपना पेशेंस दिखाना है, वो सब्र है इन डिफरेंट ट्रायल्स। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कहता हो कि मेरी लाइफ बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे पास कोई टेस्ट नहीं है, मैं इजी हूँ बिल्कुल, कोई टास्क मैंने करना, मुझे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं है। गम और मुश्किलात अंबिया कराम की ज़िंदगी में भी आते रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं जो देता हूँ वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की देता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएँ के अंदर फेंक दिया और अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनको अंधेरे कुएँ से निकाल कर एक तख्त पर बिठा दिया, मिस्र का उनको बादशाह बना दिया। क्या उनको पहले पता था इस चीज़ के बारे में कि मैं तो कुएँ में फेंक दिया गया हूँ, मेरा क्या हो जाएगा, मैं तो टूट गया, मैं बर्बाद हो गया? नहीं, उनको अल्लाह ताला पे यकीन था और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनको वहाँ से कुएँ से निकाल के हाई लेवल पे पहुँचा दिया। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमें भी सब्र करना है। कुरान में आता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हर चीज़ को आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, ज़िंदगी माल और फलों के नुकसान से, उनकी कमी से हम तुम्हें आजमाएंगे। और जो सब्र करने वाले हैं उनको बशारत दे दीजिए। ये कुरान के अंदर कहा गया सूरह बकरा के अंदर, उसकी मैं आपको कोडिंग बता दूँ कि उसके अल्लाह ताला फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। मतलब कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसको अल्लाह ताला आजमाए ना। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा गम है, बस मेरी ज़िंदगी अब एंड हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरी चीज़ क्या, आपने सब्र करना है, अपने अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है। और इस आयत के आगे अलग क्या आता है कि और जो साबिरीन हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि वकालु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं और हमने अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। और अल्लाह ताला का फिर उन पर सलाम होता है और उन रहमतें नाजिल होती हैं।